शिमला के मिडल बाजार में हुए ब्लास्ट के कारणों का एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा खुलासा। धमाके वाली जगह के समीप शिव मंदिर होने के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा होगा बाजार गरम। हिमाचल रसोई में फटा सिलेंडर न मिलने के चलते पुलिस भारी मात्रा में गैस के रिसाव को मान रही है धमाके का कारण। हिमाचल के डीजीपी भी कर चुके हैं घटनास्थल का निरीक्षण। एक शख्स की जान ले चुके उस ब्लास्ट में, दर्जन भर से ज्यादा लोग हुए घायल। शिमला के मिडल बाजार और मॉल के समीप पिछली देर शाम हुए ब्लास्ट को लेकर आम लोग अथवा सोशल मीडिया यूजर जहां तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, वहीं पुलिस के अनुसार एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। हिमाचल की राजधानी की भीड़ भाड़ वाली जगह में हुए इस ब्लास्ट को लेकर जहां आम लोग हादसे के दौरान सिलेंडर अथवा कंप्रेसर फटने को वजह मान रहे थे, वहीं 24 घंटे बाद भी पुलिस इस बारे पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाई है। भीड़ भाड़ वाली जगह में हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने आईपीसी 304, 336 व 337 के तहत एफआईआर दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एफएसएल टीम द्वारा स्पॉट विजिट के बाद जानकारी के अनुसार राजपत्रित पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू भी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। डीजीपी व एसपी शिमला अब तक प्रथम दृष्टया में हादसे की वजह यहां काम कर रहे लोगों के बयान के मुताबिक एलपीजी गैस का रिसाव मान रहे हैं और फिलहाल इसी थ्योरी पर जांच आगे बढ़ रही है। घटनास्थल के समीप शिव मंदिर होने के चलते सोशल मीडिया यूजर व आम लोग धमाके को लेकर तरह तरह के चर्चे भी कर रहे हैं, लेकिन इस एंगल से पुलिस का कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हुई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उक्त बिजनेसमैन संभवतः शिव मंदिर में पूजा के बाद हादसे वाली जगह से गुजर रहे थे। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में घायल 8 लोगों को जहां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, वहीं 5 अभी भी उपचाराधीन है। बहरहाल हादसे के कारणों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट न आने पर पुलिस द्वारा भी लगभग अंदाजन बयान दिए जाने के चलते धमाके के रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। देखिए, ऐसा कि इंसिडेंट आप देख ही रहे हैं और ये मिडिल बाजार में ब्लास्ट हुआ था जिसके रिपरकशंस ऊपर तक गए थे और साइड में भी गए। इसमें एक मौत भी हुई है, काफ़ी लोग इंजर हुए हैं। आप देखें कि पुलिस ने पेरीमीटर लगा के स्पॉट को सिक्योर किया है और फॉरेंसिक टीम भी कल आई, वो एविडेंस ले गई है और हम जांच कर रहे हैं। केस रजिस्टर हो गया है, मामला दर्ज हो गया, इसकी जांच कर रहे हैं। ये इतना सीरियस है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ किसी टाइम भी हज़ारों लोग रहते हैं, तो मैं एसपी शिमला को बोलूँगा इसमें एक एसआईटी बनाएं जिसमें थोड़ा सा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हो ताकि इसमें हम तय तक पहुंच सके। साथ के साथ दूसरी बात यह है कि यहाँ इतने ज़्यादा ईटरीज हैं और इतने ज़्यादा होटल्स हैं, इसमें जो बेसिकली गैस है और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है और जैसे कंप्रेसर है फ्रिज का, ये भी हम जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है अथॉरिटीज़ उनको बोलेंगे काइंडली चेक कर लें, क्योंकि इसके ये तो देख आप जानते हैं शिमला क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, किसी टाइम भी हज़ारों लोग यहाँ पर्यटक घूमते रहते हैं, तो सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन पुलिस ने अच्छा रिस्पांस किया है, सिविल अथॉरिटीज़ ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। आप देख ही रहे हैं पेरीमीटर लगा रखा है इन्होंने ताकि कोई सेकेंडरी ब्लास्ट में, या आप देखें कि जो छत है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई, आगे पीछे भी काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक आई है। तो मैं इन्होंने अच्छा काम किया, थोरोफेयर जो है आवागमन बंद किया है ताकि सेकेंडरी एक्सप्लोजन ना हो और सेकेंडरी डैमेज ना हो।